हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लिपिका और मोर सरल जीवन। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नई चीज़ लेके आई हूँ, वो भी कुछ खास जो हमारी असम के लिए कुछ खास है। तो आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, तो देखते रहिए। आज का वीडियो का थीम क्या है आप लोग खुद ही देख लीजिए। मुझे पता है आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को ये नॉलेज है तो अच्छी बात है। कुछ लोगों को शायद ये मालूम नहीं, हमारी असम की ट्रेडिशनल जो प्रोग्राम होती है वो मैंने आप लोगों के सामने पेश की है। थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ के मैंने पेश करने की कोशिश की है, तो देखते रहिए, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। तो ये देखिए ये फ्रेंड्स, हमारी यहाँ कुछ ड्रामा किया जाता है। हे गाइस, एक्चुअली इसे ड्रामा नहीं कहते हैं, हमारी असमीज में इसको भावना कहते हैं। तो आप लोग जो सोचते होंगे ड्रामा है, नहीं, ये असमीज में भावना है। तो गाइस, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो भावना कहते हैं असमीज में, इसका भाषा असमीज में नहीं होता है, ये ब्रजावली भाषा में लिखे गए थे। ये महान पुरुष शंकरदेव या माधव देव दोनों गुरुओं ने लिखा है। ये दोनों हमारे गुरुओं के भी गुरु है। इन्होंने धर्म प्रसार किया था, हमारी जो हम लोग उसे गुरु मानते हैं उन्होंने लिखा था, तो ब्रजावली भाषा में लिखा था गुरुओं ने। लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत दूसरे गुरुओं ने भी लिखा है, वो काल्पनिक माना जाता है। लेकिन जो असली भावना होते हैं, जो माधव देव शंकरदेव द्वारा ही लिखे गए होते हैं। तो आप लोग सोचते होंगे ये कैसा चीज़ है। अगर आप लोगों को मालूम नहीं, मैं बता दूं, मैं पूरी भावना की वीडियो नहीं बनाई है, थोड़ी थोड़ी करके आप लोगों को कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप लोग बोर ना हो जाए। तो अगर आप लोग इस पर इंटरेस्टेड हो तो मैं शायद बाद में पूरी की पूरी भावना दिखाने की कोशिश करूंगी, लेकिन अभी तो थोड़ा बहुत झलक दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग भी देख ले हमारी असम में असमीज लोगों ने किस तरह से अपनी भगवान की याद में ये ड्रामा क्रिएट करते हैं, यानी कि ड्रामा प्रस्तुत तो गुरुजी ने करके गए हैं, हम लोग तो अभिनय करके ये भगवान को याद करते हैं। तो आप लोग देखते रहिए और कमेंट कीजिएगा आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोगों को भी ऐसा कोई, आप लोगों के यहाँ भी कुछ ऐसा होता है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि सारी दुनिया देखे हमारी अपनी अपनी कल्चर कैसे होते हैं। तो अब मैं तो यही बोलूँगी, हमारे बच्चे लोग ही भूल गए होंगे शायद ये। तो ये इसकी द्वारा मैं यही बताऊंगी कि जो शहर में पले बड़े बच्चे होते हैं हमारे असमीज के, तो वो भी देखे कि हमारे पूर्वजों ने क्या हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो देखते रहिए, मैं कुछ और नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद ही समझ लीजिएगा। तो मैं भी एंजॉय करती हूँ भावना, और आप लोग भी एंजॉय कीजिए। तो देखते रहिए हमारी असमीज में ये भावना, और ये भावना चल रहा है हमारी गांव यानी मुदई गांव में, अभी चल रहा था, कल हो गया, मैंने शूट कल ही कर लिया था, लेकिन अपलोड आज करूँगी। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। Thank you.
तो गाइस कैसा लगा हमारी असमीज़ की ये ट्रेडिशनल प्रोग्राम। जो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग ट्रेडिशनल प्रोग्राम को अगर रेस्पेक्ट भी करते हो तो एक लाइक तो बनता है, तो एक एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। तो गाइस और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आने की फिर कोशिश करूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।